नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं शेफ पूनम आपके अपने चैनल पे एक नई रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम बनाएंगे पंजाब का फेमस सरसों का साग, और इसे आज हम ट्रेडिशनल स्टाइल में बनाएंगे। इसको जब आप सर्दियों में खाएंगे तो बहुत ही मज़ा आता है इसे खाने में, और अगर आपने इसे मक्के की रोटी के साथ खा लिया तो जवाब ही क्या है। तो चलिए इसे फटाफट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने ले लिया है सरसों का साग। ये 500 ग्राम सरसों का साग है, जिसे हमने अच्छी तरीके से जो है इसकी जो पत्तियां हैं उसको तोड़ लेंगे, और जिसकी जो सॉफ्ट डंडी होंगी उसे भी तोड़ लेंगे। अब इसे हम अच्छी तरीके से तोड़ लेंगे। तोड़ने के बाद ये इसकी जो पत्तियां हैं वो 250 ग्राम ही बचेंगी। अब हमें लेना है ये मेथी, और ये मेथी जो है 250 ग्राम है। इसको हम इसकी भी पत्तियां जो है अलग कर लेंगे, इसको भी क्लीन कर लेंगे। तो इसकी भी जो डंडियां हैं उसको निकाल देना है, सिर्फ पत्तियों का ही पार्ट लेना है, और जो सॉफ्ट डंडियां होंगी उसको ही हमें यूज़ करना है। तो इसे भी हमें अच्छी तरीके से क्लीन कर लेना है। इसके बाद हमें लेना है भतुआ। भतुआ हमने जो है 250 ग्राम लिया है, इसको भी हम अच्छी तरीके से क्लीन कर लेंगे, और इसकी भी जो पत्तियाँ पत्तियाँ हैं उसको तोड़ लेंगे। ये सारा प्रोसेस करने में ही ज़्यादा टाइम लगता है, और इसको जो है आप चाहे तो पहले से भी साफ़ करके रख सकते हैं तो बनाना इजी हो जाएगा। इसके बाद हमने ले लिया है पालक। पालक हमने लिया है 250 ग्राम। तो ये देखिए, आप चाहे अगर आपके पास कट किया हुआ पालक है आप उसे भी यूज़ में ला सकते हैं। एक मुट्ठी हमने ले लिया है ये सोया। सोया से इसका टेस्ट जो है काफ़ी अच्छा आता है। अब हमें लेना है एक प्रेशर कुकर। सारे जो साग थे उसको हमने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है, अब इसे हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। अब इसमें हम जो है सॉल्ट ऐड करेंगे। उससे पहले हमें इसमें 1/4 टीस्पून शुगर ऐड करेंगे, इससे इसका कलर जो है बना रहेगा। 1/2 टीस्पून इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे, 1/2 ग्लास इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा इसमें ना कीजिए। तो इसमें हम 1/2 ग्लास पानी ऐड करने के बाद प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे। इसे हम 2 विसल हाई फ्लेम पे, और उसके बाद देखिए ये हमारा जो साग था वो अच्छी तरीके से गल चुका है। अब इसे हमें घोटना है, और इसके अंदर का जो पानी है उसे हमें एकदम ख़त्म कर देना है। इसमें अब हम एक बड़ा चम्मच ऐड करेंगे मक्के का आटा, इससे इसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा आएगा। तो इसे हमें घोटते रहना है, और इसको हम मीडियम फ्लेम पे ही सारा काम करेंगे। अब हमें इसको एक दूसरे बाउल में निकाल लेना है, जिससे ये ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद इसका हमें पेस्ट तैयार करना है। आप चाहे तो इसको अच्छी तरीके से घोट भी सकते हैं। तो ये हमने बना के रेडी कर लिया है इसका पेस्ट। आप इसको चाहे तो बैचेस में भी बना सकते हैं। अब हमने ले लिए हैं कुछ स्पाइसेस। तो ये देखिए, दरदरा कुटा हुआ है धनिया 1 टीस्पून, 2 सूखी लाल मिर्चें, 1 बड़ा टमाटर है जिसे हमने चॉप कर लिया है, और आप चाहे तो 2 छोटे टमाटर भी ले सकते हैं। 2 बड़े साइज़ के हमने प्याज लिए हैं जिसे चॉप कर लिया है। 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक हरी मिर्च को हमने चॉप कर दिया है। हींग का यूज़ करेंगे, इसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है। 1 लोहे की कढ़ाई में हमने 2 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल को गरम कर लिया है, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल का टेस्ट इसमें काफ़ी अच्छा आता है। इसमें लाल मिर्च और कुटी हुई धनिया 1/2 टीस्पून इसमें हींग ऐड करेंगे, और इसके बाद हमें जिंजर गार्लिक हरी मिर्च चॉप किया हुआ ऐड कर देना है। इसको हमें 2 से 3 मिनट तक भुनना है, जब तक इसका कलर ना चेंज हो जाए। तो ये देखिए गोल्डन कलर का हो गया है, इससे ही इसका वो अच्छा सा टेस्ट आएगा। अब इसमें चॉप किया हुआ हमने जो है प्याज ऐड कर दिया है, इसे भी हमें भुनना है। सारा काम हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर करना है। तो ये जो हमारा प्याज था ये भी अच्छी तरीके से भुन चुका है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे चॉप किया हुआ टोमेटो। टोमेटो से इसका फ्लेवर अच्छा आता है। तो ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद, जब भी आप टमाटर ऐड करें इसके बाद इसमें सॉल्ट ऐड कर दीजिए, जिससे कि जो है ये अच्छी तरीके से गल जाए टमाटर। तो सॉल्ट हमने उसमें भी ऐड किया था, इस बात का आप ध्यान रखें। इसे कवर करके हमें गलाना है। तो ये जो हमारे टमाटर हैं ये देखिए गल चुके हैं। अब हमें इसमें पेस्ट जो है ऐड कर देना है। आप चाहे तो इस पेस्ट को स्टोर करके भी रख सकते हैं, 2 बैचेस में बना सकते हैं। 2 से 3 दिन के अंदर ही आपको इसे बनाना होगा। तो ये देखिए बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी है, और इसे हमें अच्छी तरीके से भुनना है। भुनने से जो है इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। जितना अच्छा आप साग को भुनेंगे उतना अच्छा इसमें टेस्ट आएगा। तो हमारा जो साग है बनके तैयार हो चुका है। अब हम इसमें एक स्पेशल तड़का लगाएंगे। इसके लिए हमने 1 टेबल स्पून घी को गरम कर लिया है। हरी मिर्च, लाल मिर्च और जूलियंस कटे हुए जिंजर हैं, तो इससे जो है बहुत अच्छा टेस्ट आता है।
कोई भी चीज़ आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, तो इसको हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। और ये देखिए हमारा तड़का हो गया है तैयार। तो अब इस तड़के को हमें साग के ऊपर जो है ऐड कर देना है। तो ये देखिए घी का तड़का, जिससे जो है इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। तो आप ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और सर्दियों में फटाफट बनाइए। और ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अब मैं मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक देखते रहिए शेफ पूनम घर की रसोई।